तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटेक कंपनी का प्योर लाइट पोर्टेबल लाइट किट। इसके अंदर हम पूरा स्टूडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पूरे इसके अंदर हमें दो स्टैंड मिलेंगे और चार बल्ब मिलेंगे और दो दो के सेट में दो बल्ब होल्डर सेट भी आपको अवेलेबल मिलेगा। इस सेट के जरिए हम आपको आज पूरी इसके अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और पूरा इसके जरिए बिल्कुल डार्क रूम के अंदर हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पहले हमारे पास चार बल्ब है, तो इन चार बल्बों को यहाँ से हटा लिया जाए। उसके बाद हम इन स्टैंडों को खोल के दिखाते हैं इस पोर्टेबल किट में कैसे स्टैंड हमें मिले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। तो निकालिए इसके चार स्टैंड को। डिजिटेक कंपनी का ये पोर्टेबल स्टैंड सिस्टम है, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। इसके अंदर पूरा एक केयरिंग केसिंग इसके साथ ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। इस केयरिंग केसिंग में हमें दो पोर्टेबल स्टैंड मिलेंगे। इनको हटा दीजिए साइड में। अभी हमें सुंदर से दो पोर्टेबल स्टैंड मिले हैं। आपको तो बता दें दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। ये हम अपनी सुविधा के लिए, टेक्निकल वीडियोस को बनाने के लिए इन चीज़ों को लेकर आए हैं और हम आपको इसके साथ ही ये सब कुछ दिखा रहे हैं। तो ये पोर्टेबल स्टैंड नंबर एक निकला है इसमें से। इसको रिलीज कर लो ना अभी। हाँ, अब इसको लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा स्टैंड नंबर एक है। और ये हमारा स्टैंड नंबर दो। तो दो इसमें बहुत ही बेहतरीन स्टैंड हमें मिलते हैं डिजिटेक की कंपनी की तरफ से। अच्छी क्वालिटी, अच्छा लोहा मटेरियल के साथ है। इनको थोड़ा सा इधर रखिए, लाइट के इशू करते हैं। हाँ, इस गेट से दूर रखिए। और उधर कर दीजिए, और उधर ले लीजिए इसको, और उधर। हाँ, यस। तो ये दोनों स्टैंड्स हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिए हैं डिजिटेक कंपनी के। अभी हम इनके साथ अम्ब्रेलास इसके साथ आए हैं। इन अम्ब्रेलास को भी अनबॉक्स करते हैं। अभी एक मिनट, अम्ब्रेलास को नहीं निकालते हैं। हमें दो अम्ब्रेलास मिले हैं वाइट कलर में हमें। इसको भी अंदर रहने दीजिए। पहले इनके बल्ब होल्डर को निकालिए और दिखा दीजिए। पहले इसकी हाइट दिखाएं कि कितना ये स्टैंड बड़ा हो जाता है। हाँ, इसको पूरा हाइट पर लीजिए। तो देख सकते हैं ये स्टैंड काफ़ी ही बड़ी स्ट्रेंथ के साथ है। तकरीबन ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ ये निकल के आया है। ये फुल पूरी हाइट के स्टैंड है। नहीं नहीं नहीं, इसको सही रख दीजिए, इसको मत छेड़िए। हाँ, ये तो इसका बेस है ना, बेस को मत छेड़िए, बेस को रहने दीजिए पूरी हाइट पे। बेस के साथ भी देख सकते हैं तकरीबन ये 9 फीट के आसपास ये स्टैंड बन गया है। तो इसको होल्ड कर लीजिए, 8 फीट पर ले लीजिए इसको, 6 फीट पर, 5 फीट पर। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथ हो गया, इतना बड़ा और नीचे कर लीजिए। तो अगर आप चाहें तो कितना भी बड़ा इससे स्टूडियो लाइट निकाल सकते हैं। हाँ, इसी लेंथ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। अभी इनके ऊपर हम बल्ब होल्डर लगाते हैं और बिल्कुल डार्क रूम में आपको इसके आउटपुट भी हम चेक कराएंगे। तो लगाएं बल्ब होल्डर निकालें। ये देखिए इनके साथ ये बल्ब होल्डर आए हैं बड़े स्मार्ट। तो देख सकते हैं ये इतने अच्छे बल्ब होल्डर इनके साथ ही निकल कर आए हैं। इन बल्ब होल्डर्स को हम इन स्टैंड पे लगा लेंगे। पहले इसके पूरे स्क्रू को अनलॉक कर लीजिए। हाँ जी, अब यह देखिए इन बल्ब होल्डर्स को इस स्टैंड पे बिल्कुल डायरेक्ट से फिट किया जा सकता है और मल्टीपल एंगल से यहाँ से इसको टाइट करके स्क्रू को इसको सेट किया जा सकता है। दोनों के दो बल्ब होल्डर सेट है, बस ज़्यादा टाइट मत कीजिए। तो ये बल्ब होल्डर है विद अम्ब्रेला स्टैंड है ये। इसमें आप देख सकते हैं इनको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं दोनों को। ये बीच में अम्ब्रेला स्टैंड भी है इसके साथ, तो ये बेहतरीन क्वालिटी के साथ है। ये दूसरे वाला भी है। इस स्टैंड को भी इस हाइट का कर लीजिए पहले, ताकि दोनों स्मूथ हो जाए। बिल्कुल सही, हम इनको और भी ज़्यादा हाइट में कर सकते हैं, बट इतना ही बहुत है। तो यहाँ भी सेम, इनको इस पर होल्ड करके हम इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर सकते हैं। और इनको एडजस्टेबल है, आप जैसा चाहे वैसे इनको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी हाइट पे। अम्ब्रेला स्टैंड को भी किसी भी हाइट पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बैक साइड की बात करें तो इनके बैक साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन दिए गए हैं इनको ऑन ऑफ करने के लिए। ईच बल्ब को, अगर आपको एक बल्ब चाहिए तो एक बल्ब चलाएं, दो बल्ब चाहिए दो बल्ब चला सकते हैं। तो इनमें बल्ब लगाए भाई। इनके लिए आपको बल्ब इनके साथ मिलेंगे
हमारे पास टालर कंपनी के हैं आराम से। तो ये इस तरह के कुछ बल्ब इनके साथ आते हैं 100 वाट के, और ये E27 इनको कहा जाता है, E27 बल्ब वोल्टेज बोलते हैं। तो इनको हम इनमें प्लग इन कर देते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इनको हम प्लग कर रहे हैं। जी ये देखिए बल्ब होल्डर लग गया है, इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना वरना ये फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा केस है प्लास्टिक का है इस वजह से। तो इनको इस तरह से राउंड करके हम चूड़ी के जरिए इनको प्लग कर सकते हैं। तो ये 4 बल्ब का सेट पूरा हम इनमें प्लग इन कर लेते हैं डिजिटेक का। इसके साथ एक सेट और भी आया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए तो हम मर्करी सेट भी इसके साथ इंक्लूडिंग है, हम उसका भी सेटअप आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये बल्ब होल्डर के साथ अम्ब्रेला सेटअप है, और इसके बाद हम आपको इसके साथ जो मर्करी सेटअप है वो भी हम करके दिखाएंगे। तो अभी हम अम्ब्रेलाज भी इनके साथ पुट करके दिखाते हैं आपको। तो इधर लाएँ अम्ब्रेला दिखाएँ, तो ये अम्ब्रेलाज इसके साथ आते हैं बेहतरीन कंपनी डिजिटेक कंपनी के। आराम से पहले इसको फ्लैक्स कर लीजिए, उड़ जाएंगे ऐसे इनको क्लियर। हाँ जी, तो ये अम्ब्रेलाज है डिजिटेक कंपनी के, आप देख सकते हैं इनको वहाँ बीच में होल्ड कर दीजिए। इन अम्ब्रेलाज को आप यहाँ बीच में स्लाइड में पहले अनलॉक कर लीजिए पूरा, इसको लगा दीजिए आराम से। आप कैमरा लीजिए, मैं देखता हूँ इधर आए मेरी तरफ, इसको दिखाएं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे इन अम्ब्रेलाज को थोड़े से अभी नया सेटअप है, टाइट है, अम्ब्रेलाज को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए जितना करना है आप साइड से, यहाँ से इसको आप टाइट कर सकते हैं। और इसको आप थोड़ा कैमरा दूर से लीजिए, मल्टीपल एंगल पर सेट कर सकते हैं जहाँ आपको चाहिए। बल्ब का एंगल भी आप डिज़ाइन करके सेट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए उस लेवल पर। इसी तरह से किन अम्ब्रेलाज हम इसमें आपको लगा के दिखाते हैं, यहाँ पे आप इनके एंगल्स को सेट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। तो दोनों के दोनों अम्ब्रेला हमें इसी कॉम्बो पैक में आए हैं। तो ये दिखाएं अम्ब्रेलास को, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अम्ब्रेलास को। तो ये सेकंड अम्ब्रेला हमारा तैयार हो गया, इसको भी हम इस बीच वाले स्टैंड पे होल्ड कर देते हैं। अम्ब्रेलास और बल्बों को आप मल्टीपल डायरेक्शन में डिज़ाइन और सेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखिए किसी भी एंगल पे आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको, यहाँ तो हमें सनलाइट मिल रही है, अभी इसी का सेटअप हम एक डार्क रूम में आपको अभी करके दिखाएंगे कि विदाउट कैमरा लाइट के हम कैसा दिख रहा है उस डार्क रूम में। और तो दोस्तों कुछ इस तरह का सेटअप हमारा बनकर तैयार हो गया है इस काम के लिए। आप देख सकते हैं डिजिटेक के दोनों डिश विद एंटीना विद सॉल्यूशन तैयार हो गया। अभी हम एक डार्क रूम में जाएंगे जहां लाइटिंग नहीं है और जहां प्रॉब्लम आ रही है, वहां जाकर देखते हैं कि इस वीडियो का लुक कैसा आता है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं है और एक डार्क सा रूम है, यहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन यहाँ हैंग कर दिया है, और अभी हम देखते हैं इनके द्वारा किस क्वालिटी का वीडियो निकल के आता है। तो आपके सामने पूरा ही सीन लाइव बिल्कुल हम करने जा रहे हैं। अभी हम इनको ऑन करते हैं, इनको हम पावर देते हैं और देखते हैं कैसा सॉल्यूशन निकल के आता है। बिल्कुल लाइव बिना अनकट के, अभी तक ये ऑफ है दोनों, और वॉल पे सामने का व्यू ऐसा आ रहा है। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने इसको ऑन किया एक को, तो दूसरे को भी ऑन करो, नीचे की तरफ बटन ऑन है, ये हमारा दोनों सेटअप चल गया है। तो अब आप देख सकते हो कितनी रोशनी इस सिस्टम के जरिए इस वॉल पे आ रही है। एक बार पूरे को ऑफ कीजिए, ये कंप्लीट ऑफ पे ऐसा है, ऑन कीजिए तो देखिए बिल्कुल कितना फ़र्क आता है। पूरी रेजुलेशन पूरा वीडियो हम बढ़िया से बना सकते हैं। अभी आप इधर आओ, अभी हम दिखाते हैं सब्जेक्ट के साथ, अभी ये सब्जेक्ट इस रोशनी में ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम इस सेटअप को ऑफ कर देते हैं, तो देखिए कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, फ़र्क डिफरेंस तुरंत इस इफ़ेक्ट में, तुरंत इसमें हाई रेजोल्यूशन के साथ वीडियोस निकल के आ रही है बिल्कुल बेहतरीन कलर क्वालिटी के साथ।
और अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन पे थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हैं, इनके एंगल्स मूव कर सकते हैं ताकि सब्जेक्ट पे रोशनी आए और प्रॉपर देखा जा सके, तो आप इनको डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये डिजिटेक का जो सेटअप है आप देख सकते हैं ये अभी वर्किंग कर रहा है। मैं इसको सामने से भी दिखा देता हूँ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा एक स्टोर रूम है जिसमें हम आप इसको टेस्ट करके दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी से ये निकल के आ रहा है और बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी की ही वीडियो इस सेटअप के जरिए निकल के आ रही है। और ये कोई हज़ारों रुपए का सेटअप नहीं है, ये डिजिटेक का पूरा सोल्यूशन मात्र 5,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसमें दो मॉड्यूल आते हैं, एक मॉड्यूल हमने आपको अभी चेक करके दिखाया है, इस मॉड्यूल को कहते हैं एलईडी बल्ब, 100 वाट के दो बल्ब लगे हैं, टोटल चार बल्ब लगे हैं, 400 वाट का ये सोल्यूशन बना है और इस रेजोल्यूशन के साथ ये वीडियो आउटपुट दे रहा है। हम अपने कैमरे में कोई भी ब्राइटनेस सेटिंग नहीं कर रहे, हम केवल इसी सोल्यूशन के जरिए वीडियो निकाल रहे हैं और इस रूम में कोई और लाइट भी नहीं चल रही है, केवल ये दो डिजिटल डिजिटेक के ये अम्ब्रेला सेटअप लगा हुआ है, इससे ही हम वीडियो निकाल के आ रहे हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ ये वीडियो बना पा रहे हैं हम। अभी इसका एक अपर वर्जन भी है, वो सामान भी इसके साथ ही आया है, कृपया वो सामान लाएं असेंबल करके दिखाएं। अभी हम आपको इस वीडियो में ही दिखा रहे हैं बिना अनकट किए, इसके साथ डिजिटल हज़ार वाट की मर्करी सोल्यूशन भी इसके साथ हमें मिला है, ये दिखा देते हैं। ये बेहतरीन क्वालिटी के वायर्स इसके साथ हमें मिली है और ये एक मर्करी सोल्यूशन भी इसके साथ अवेलेबल आया है। तो आपके कैमरे पर आए मैं दिखाता हूँ इस सोल्यूशन को, इसे भी हम इसे लाइव करके दिखाएंगे। ये इसका टोटली प्रोफेशनल सोल्यूशन है मगर इसमें 1000 वॉट की रोड सिस्टम काम करता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, इसके साथ ये हमें रोड मिली है जिसकी वैल्यूज़ है 1000 वॉट। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के लिए, इसके साथ हमें 1000 वॉट की ये रोड इसके साथ हमें मिली है। पर ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हीटिंग पैदा करेगा और बहुत ज़्यादा रोशनी भी पैदा करेगा। अभी जो अम्ब्रेला सेटअप के साथ आप देख रहे हो इससे करीबन बहुत ज़्यादा गुना, क्योंकि ये इससे 600 गुना पावरफुल सेटअप बनेगा। ये एक सोल्यूशन तैयार हो गया, इसी तरह ये भी साथ इसी 5000 रुपये में ये सोल्यूशन हमें मिला है सेम टू सेम, ये भी दोनों सेटअप लग जाएंगे अम्ब्रेलास के बैकग्राउंड पे। और इसमें हमने रोड लगा रखी है, अभी हमने ये टेस्टिंग करवाया आपको 400 वाट 100 वाट के बल्बों के साथ, अभी हम ये सेम सोल्यूशन आपको चेक कराएंगे 1000 वाट की मर्करी लाइट के साथ, तो इसके साथ भी देखते हैं। इसके साथ तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर सोल्यूशन मिलेगा, तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ दिखाएं। अभी हम इसे इन बल्बों को हटाकर सॉल्यूशन को मूव कर रहे हैं किस पे 1000 वॉट पर। तो ये है दोस्तों, बिना अभी मेरी दोनों 1000 वॉट की मर्करी लाइट्स ऑफ की गई है, एक मिनट रुकिए। तो अभी इनको ऑन कीजिए, ये देखिए दोस्तों शानदार स्टेटस, पूरा का पूरा दिन निकल चुका है 1000 वोट इस मर्करी लाइट के जरिए, इनकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता, तो इतना अच्छा रिव्यू निकल के यहाँ पे आता है इन अम्ब्रेला व्यू के साथ। यहाँ पर हम कुछ भी स्टूडियो शूट कर सकते हैं जो कि बेहतरीन वीडियोस के साथ आएगा। तो ये 1000 वोट की परफॉर्मेंस है विद अम्ब्रेलास इन मर्करी सोल्यूशंस के जरिए आप लाइट निकाल सकते हैं बेहतरीन सोल्यूशन के साथ। दोबारा बता दें ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, अगर आपको 400 वाट का सोल्यूशन बनाना है वो भी इसके साथ आपको मिलेगा, और अगर आपको 1000 यानी कि 2000 वाट का सोल्यूशन या पूरा स्टूडियो लाइट, तो ये पूरा रूम सिर्फ इन दो मर्करी लाइट के जरिए जगमगा चुका है, कहीं पर कैमरे को कोई लाइट या उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है। तो हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी मज़ेदार वीडियो लाने के लिए, टेस्टिंग के लिए
हम आपको और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो अभी हम इनको ऑफ करते हैं इस वीडियो को।